नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल RBSC with HSM में। इस वीडियो में हम राजस्थान माध्यमिक परीक्षा 2019 विषय जीव विज्ञान कक्षा 10 खंड से का हल सहित विश्लेषण करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में हमने राजस्थान माध्यमिक परीक्षा 2019 विज्ञान विषय के ए खंड और ब खंड का विस्तार पूर्वक विश्लेषण कर लिया था। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे चैनल RBSC विद HSM को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो प्रारंभ करते हैं आज का यह वीडियो। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास में खंड से का 22वां क्वेश्चन इस प्रकार है। मछली में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? लवणीय जल की मछलियों के दो उदाहरण दीजिए। इनका भोजन क्या है? जलाशय में मछलियों का अधिकतम उत्पादन कैसे किया जा सकता है? ये प्रश्न पूछा गया है अध्याय 14 से और इसको 1+1+1+1=4 में डिवाइड किया गया है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार दे सकते हैं, मछली में प्रोटीन युक्त पोषक तत्व की अधिकता पाई जाती है। अलवणीय जल में रोहू कतला आदि मछलियाँ पाई जाती हैं। प्राकृतिक भोजन जैसे सूक्ष्म जीव पादप जंतु, कृत्रिम भोजन चावल की भूसी गेहूँ की चापड़ अनाज के टुकड़े आदि हैं, वो खिलाए जा सकते हैं। जलाशय में मछलियों का अधिकतम उत्पादन कैसे किया जा सकता है? तो जलाशय का तापमान प्रकाश ऑक्सीजन जल प्रवाह आदि नियंत्रित करके मछलियों का अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 23। मेंडल की प्रभाविता के नियम को उदाहरण सहित समझाइए और मेंडल की वंशाकृति नियम के कोई दो महत्व लिखिए। अध्याय 3 से पूछा गया प्रश्न है और ये 2+2=4 में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार दे सकते हैं, प्रभाविता का जो नियम है वो इस प्रकार है हमारे पास में। इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के लिए विप्रयासी का मतलब होता है विपरीत लक्षण संयुग्मजी शुद्ध पादपों में संकरण कराया जाता है तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है प्रभावी कहलाता है तथा वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शाता उसे अप्रभावी कहते हैं। यह नियम मेंडल द्वारा प्रतिपादित एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इसका उदाहरण हम इस प्रकार दे सकते हैं, यदि शुद्ध या संयुग्मजी लंबे कैपिटल टी पौधे को शुद्ध या संयुग्मजी बोने स्मॉल टी पौधे से संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे 100% लंबे कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होते हैं। इसका आरेख की चित्र है वो इस प्रकार बना सकते हैं हम। जनक पीढ़ी P1 लंबे पौधे, हमने इसको गुणसूत्र निरूपण किया है स्मॉल कैपिटल टी और कैपिटल टी से। बोने पौधे स्मॉल टी और स्मॉल टी से। प्रथम पीढ़ी में हम संकरण कराते हैं, संकरण के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन होता है और युग्मक बनते हैं। युग्मक हमारे पास में कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। प्रथम संतति पीढ़ी जो F1 पीढ़ी कहते हैं उसमें सभी पादप विषम युग्मजी लंबे प्राप्त होते हैं। ये प्रथम पीढ़ी के पादप इस प्रकार प्राप्त होंगे। ये प्रभाविता के नियम का जो निरूपण है वो आसानी से कर सकते हैं। अब है इसके महत्व में पहला है संकर संति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। जो नए लक्षण हैं उनके बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। दूसरा है हमारे पास में मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक यानी रोगाणुओं से या कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक तथा अधिक उत्पादन फसली पौधों की किस्में विकसित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 24 भी विभाजित है कई खंडों में। तो पहला प्रश्न हमारे पास में निम्नलिखित कथनों के कारण सहित स्पष्ट कीजिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को आमाशय की अम्लता के उपचार में प्रयुक्त करते हैं।
किस देश की औद्योगिक प्रकृति, किसी देश की औद्योगिक प्रकृति को सल्फ्यूरिक अम्ल के उपभोग के आधार पर मापी जाती है। बैक क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस बनाने का नामांकित चित्र बनाइए। अध्याय 5 से पूछे गए प्रश्न हैं और ये भी 1+1+2 इक्वल 4 में विभाजित है। तो इसका आंसर इस प्रकार दे सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दुर्बल क्षारक होता है, यह उदर में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है जिससे जलन व दर्द का अनुभव नहीं होता। सल्फ्यूरिक अम्ल सेल कार्बेट्री तथा उद्योगों में काम में आता है। हाइड्रोजन गैस का जो नामांकित चित्र इस प्रकार हम बना सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस बनाने का दिया गया है चित्र, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ये क्रिया में इस प्रकार दे सकते हैं हम, जिसमें हाइड्रोजन गैस का उत्पादन हो रहा है। चित्र में दिखाई दे रहा एक प्रकनली का हिस्सा है, इस प्रकनली में हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं वो निकलते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी ओर जब हाइड्रोजन गैस एक नलिका से प्रवाहित होती है तो ये जैसे ही साबुन का जो विलयन है उसमें प्रवाहित करते हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बाहर निकलने पर मोमबत्ती को जलाने पर ये फटफट की आवाज़ के साथ ध्वनि उत्पन्न करते हैं। प्रकनली में हम दानेदार जिंक के टुकड़े लेते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। तो इसका आरेखीय चित्र इस प्रकार हम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 25, और 25 क्वेश्चन इस प्रकार है हमारे पास, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट व कार्य विधि का वर्णन कीजिए। अध्याय 10 से पूछा गया क्वेश्चन है और ये 2+2=4 में विभाजित है। इसका आंसर हम इस प्रकार दे सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के निम्न चार भाग होते हैं, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर या कुंडली, नंबर 3 सापी वाले, नंबर 4 ब्रूश। पहला आता है क्षेत्र चुंबक। तो क्षेत्र चुंबक आर्मेचर दो चुंबकीय दूर खंडों में N एवं S के मध्य रखा हुआ होता है, जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। छोटे जनित्रों में ये स्थायी नाल चुंबक होते हैं, किंतु बड़े जनित्रों में ये अति प्रबल विद्युत चुंबक होते हैं। आर्मेचर या कुंडली यह कच्चे लोहे के ढांचे पर लिपटी विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक घेरों वाली एक कुंडली ABCD है। आर्मेचर को अपनी अक्ष पर घूर्णन कराया जा सकता है। तीसरा है सर्पी वले, कुंडली के दोनों सिरों को दोनों सिरे दो धातु के वलयों S1 और S2 से जुड़े रहते हैं, इन्हें सर्पी वले कहते हैं। ये वले आर्मेचर के ढांचे पर ही आरोपित रहते हैं तथा उसी के साथ घूर्णन करते हैं। ब्रूश ये धातु अथवा कार्बन के बने होते हैं, सर्पी वले इनके स्पर्श में रहते हैं। इन्हीं ब्रूशों B1 एवं B2 से बाह्य परिपथ में धारा प्राप्त की जाती है। इसका जो चित्र है वह हम इस प्रकार देख सकते हैं, क्षेत्र चुंबक, ये दो क्षेत्र चुंबक हैं हमारे पास में, एक बाएं तरफ और एक दाएं तरफ, बीच में कुंडली दिखाई गई है A, B, C और D। ये सर्पी वले हैं S1 और S2 से, ब्रूश हमारे पास में B1 और B2, ये एक बैटरी के से ये जुड़े हुए रहते हैं और ये घूर्णन करता हुआ इनको दिखाया गया है। तो ये क्षेत्र चुंबक बीच में जो आर्मेचर वाला जो भाग है वो इसमें घूमता हुआ नज़र आता है। तो इस प्रकार हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की जो कार्य विधि है वो इस प्रकार दिखाया जा सकता है। इसका आंसर, जब आर्मेचर को यांत्रिक ऊर्जा देकर घुमाया जाता है तो कुंडली ABCD से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित धारा बहती है। जब कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाते हैं तब कुंडली का तल बार बार चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर व लंबवत होता है। प्रथम आधे चक्र में फ्लक्स की मात्रा घटती है, इस प्रकार प्रथम आधे घूर्णन में धारा की दिशा बाह्य परिपथ में दक्षिणावर्त होती है और अगले आधे घूर्णन में वामावर्त होती है। अर्थात प्रथम आधे चक्र में बाह्य परिपथ में धारा V1 से V2 की ओर तथा शेष आधे चक्र में V2 से V1 की ओर बहती है। इस प्रकार आर्मेचर के पूर्ण घूर्णन में निश्चित कालांतर के बाद धारा की दिशा बदलती है तथा इस दौरान धारा का मान भी नियमित रूप से बदलता है।
ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। क्वेश्चन है 26 और 26 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पूछा गया है। 75 किलोग्राम का ये क्या है हमारे पास में द्रव्यमान, एक व्यक्ति 25 सेकंड में टी दिया गया हमारे पास में और ऊंचाई कितनी हमारे पास में 5 मीटर छटता है। व्यक्ति द्वारा वे शक्ति ज्ञात कीजिए, जबकि जी कितना दे रखा है हमारे पास में गुरुत्वाकर्षण त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बी है 9 kg का एक गुटका घर्षण रहित पृष्ठ पर 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। यह गुटका स्प्रिंग को संपीड़ित करके विराम अवस्था में आ जाता है। यह स्प्रिंग नियतांक 4×10⁴ न्यूटन प्रति किलोग्राम हो तो स्प्रिंग में संपीड़न ज्ञात की, यानी एक्स का मान में ज्ञात करना है। तो अध्याय 11 से प्रश्न पूछा गया और ये 2+2=4 में विभाजित है। इसका जो आंसर है वो हम इस प्रकार दे सकते हैं। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में जो दिया गया है उसको दिखाया जाता है। तो हमारे पास में क्या क्या दे रखा है प्रश्न में, व्यक्ति का द्रव्यमान दे रखा है और ये कितना है 75 kg, ऊंचाई कितनी दे रखी है 5 मीटर, छड़ने में लगा समय कितना दे रखा है 25 सेकंड, और गुरुत्वीय त्वरण कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हल कैसे करेंगे हम, व्यक्ति का भार ज्ञात करेंगे। सबसे पहले व्यक्ति का भार क्या है m×g और m का मान द्रव्यमान कितना हमारे पास में 75 kg और g का मान कितना हमारे पास में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों को गुणा करने पर हमारे पास में जो व्यक्ति का भार है वो कितना आता है 750 न्यूटन। व्यक्ति द्वारा वे शक्ति P बराबर होता है W/T, तो W कितना हमारे पास में mgh और बटा T, तो m का मान 750 रखा हमने, m g का मान 750, h का मान 5 और t का मान t, तो गुणा करने पर हल करने पर हमारे पास में क्या आता है 150 वाट, जो क्या हमारे पास में व्यक्ति द्वारा वे की गई शक्ति होती है। दूसरा क्वेश्चन है बी वाला, हम इस प्रकार आंसर दे सकते हैं। गुटके का द्रव्यमान कितना m 9 kg, गुटके का वेग कितना है 4 मीटर पर सेकंड, स्प्रिंग का जो नियतांक है की कितना दे रखा है 4×10⁴ न्यूटन प्रति kg। हल कैसे कर सकते हैं, इसका हल हम इस प्रकार दे सकते हैं। गुटके की गतिज ऊर्जा स्प्रिंग में स्थित ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाती है, अतः ऊर्जा संरक्षण के नियम से 1/2 x²=1/2 m×v² ये फार्मूला हम इसमें ज्ञात करेंगे। x का मान क्या है हमारे पास में m×v² / k, मान रखने पर 9×4×4 × 10⁴, हल करने पर आता है हमारे पास में 0.0036 मीटर। इसका x का मान निकाल लेते हैं, x का मान कितना आएगा हमारे पास में 0.06 मीटर या 6×10⁻²। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों के हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 27 और 27 प्रश्न हमारे पास में कैसा है, ये जैव विविधता से आपका क्या अभिप्राय है, जैव विविधता के कोई दो महत्व समझाइए। अध्याय 19 से पूछा है प्रश्न है और 2+2=4 में ये बटा हुआ है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1987 में प्रकाशित प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट के अनुसार हम जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नताओं, किसमें जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता विषमता तथा पारिस्थितिकी जटिलता ही जैव विविधता कहलाती है। तो ये जैव विविधता की परिभाषा हम दे सकते हैं। जैव विविधता के क्या क्या महत्व हैं हमारे लिए, पहला महत्व है आर्थिक महत्व और दूसरा महत्व है औषधीय महत्व। जैव विविधता हमें प्रत्यक्ष रूप से भोजन, ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी, औद्योगिक कच्चा माल उपलब्ध कराती है। औषधि महत्व में प्राचीन काल से ही जड़ी बूटियों का उपयोग करके अनेक प्रकार की बीमारियों के इलाज में किया जाता है। तो औषधियां हैं उनके रूप में हम इनका महत्व बता सकते हैं और आर्थिक महत्व के रूप में भी हम
जैवविधता का महत्व बता सकते हैं। जैवविधता की अनेक महत्व हैं, उनमें से दो महत्व है जो पेपर में पूछे गए हैं, तो दो का आंसर हम इस प्रकार दे सकते हैं। इसका जो अथवा प्रश्न है इस प्रकार है, अनुवांशिक विविधता से आपका क्या अभिप्राय है? जैव विविधता संकट के कोई दो कारण समझाइए। अध्याय 19 से प्रश्न पूछा गया है और ये भी 2+2=4 में बटा हुआ है। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, अनुवांशिक विविधता एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच अनुवांशिक इकाई जीन के कारण पाई जाने वाली भिन्नता अनुवांशिक विविधता कहलाती है। जैव विविधता की जो संकट के जो कारण हैं उनमें कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहला कारण है हमारे पास में प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। प्रकृति ने प्रत्येक जीव जंतु के लिए एक निश्चित आवास निर्धारित किया है, जिसमें रहकर वह प्रकृति के नियमों के अंतर्गत अपना जीवन यापन कर अपनी संख्या में वृद्धि करता है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम इन प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर आबादी व कृषि भूमि का विस्तार कर रहे हैं। यानी प्रकृति ने प्रत्येक जीव के लिए निश्चित आवास निर्धारित किया है, हमने क्या किया है कि उन आवासों को धीरे धीरे हम नष्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम अपने जीवन यापन के लिए। और उन्हीं आवासों में जो जीव जंतु पेड़ पौधे या निवास करते हैं, तो उनको हम क्या करें, धीरे धीरे हटाते जा रहे हैं। तो जैव विविधता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। दूसरा मेन कारण है हमारे पास में पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण का दुष्प्रभाव प्राणियों एवं पौधों पर पड़ता है। औद्योगिक अपशिष्ट से प्रदूषित भूमि व जल से अनेक वनस्पति व जीव नष्ट हो जाते हैं। अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण होने वाली तेजाबी वर्षा से भी अनेक सूक्ष्म जीव व वनस्पति नष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार कृषि पैदावार बढ़ाने हेतु रासायनिक खाद व कीटनाशकों के अधिक उपयोग से मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव विलुप्त हो रहे हैं, जिससे भूमि की उर्वरता भी प्रभावित हो रही है। इस प्रकार हमारे पास में दो प्रमुख जो कारण हैं वो दर्शाए गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास में सेक्शन से के सभी जो प्रश्न हैं वो हल हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम सेक्शन डी के बारे में विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे और प्रश्नों की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल RBS विद HSM को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक खुश रहें, देखते रहें RBC with HSM। जय हिंद, जय भारत।